शर्मिंदगी की बात है कि हमारे युवाओं पे आज के समय में हमारे डोगरों पे जो एकजुट होकर जो है समाज में लड़ाई लड़ रहे हैं, डोगरा समाज एकजुट हुआ है और एक ऐसे कारण के लिए हुआ है जिसके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। महाराजा हरि सिंह जो हमारे रहे हैं और हम चाहते हैं कि 23 सितंबर उनकी याद में छुट्टी रखी जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें बिना सोचे प्रशासन शासन को जो है हमारी मांग पूरी करनी चाहिए और जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। और थोड़ी नहीं, बहुत शर्म भी आती है हमें कि आज तक अगर ये ड्यू रहा तो क्यों रहा, इसके पीछे क्या कारण रहे। राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी अपनी रोटियां सेक के चली गई, समय दर समय आती रही, उसके बाद जाती रही और जो है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी वो देने में असफल रही और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जय हिंद दोस्तों। कठुआ का समस्त समाज, समस्त पॉलिटिकल पार्टी, समस्त पॉलिटिकल लीडर्स, समाज के सोशल एक्टिविस्ट और समस्त वर्गों के लोग महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर करवानी है उसके लिए तत्पर हैं, मैदान में डटे हुए हैं। और जो हमारे समाज के लोग जम्मू में इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और चलेंगे। एजी प्रशासन को हम ये सचेत करना चाहते हैं कि आप जितना लंबा इस लड़ाई को खींचोगे, ये लड़ाई युद्ध स्तर पर उतनी लंबी खींची चल जाएगी। और इसके साथ साथ मैं एक बात और एड ऑन करना चाहूंगा कि वो बड़े बड़े लंबरदार जो अपने आप को कठुआ का नेता बोलते हैं, वो कौन से बिल में छुपे हुए हैं? शर्म आनी चाहिए उनको कि आज की डेट में जब समाज का हर वर्ग सड़कों पे है, जहां पे धरना प्रदर्शन कर रहा है, और वो अपने बिलों में कहीं पे छुपे हुए हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि महाराजा हरि सिंह जी के लिए आवाज उठाना हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आज की डेट में अगर हमने भारत का झंडा उठाया हुआ है तो उस शख्सियत की बदौलत उठाया है। इसके साथ साथ अगर केंद्र में बैठी सरकार कोई भी छुट्टी को एक मिनट में साइन करके हस्ताक्षर करके सैंक्शन कर सकती है या उसको काट सकती है, तो महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी जो है वो सैंक्शन क्यों नहीं की जा सकती? ये एक बहुत ही असमंजसता का कारण है, बहुत ही एक समझने योग्य बात है। लेकिन हम आपकी मीडिया के माध्यम से इस बात को सचेत कर दें, जैसे कि समस्त समाज, चाहे वो बार एसोसिएशन कठुआ हो, ट्रेडर एसोसिएशन कठुआ हो, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कठुआ हो, ऑल पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे वो विभिन्न वर्गों से हो, किसी भी रिलीजन से हो, सब लोग हमारे साथ हैं। और हम लोग जम्मू वाले जितने भी हमारे वहाँ पे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और हम ये छुट्टी सरकार से घोषित करवा के रहेंगे। और इस 23 सितंबर को महाराजा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर छुट्टी होगी और 100% छुट्टी घोषित होगी। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। शेरगुला जी, छुट्टी रद्द कर दी गई है, ये छुट्टी क्यों नहीं दी जा रही है? सभी को हमारी तरफ से राम राम। और जैसे आपने मुझे सवाल पूछा कि शेख अब्दुल्ला की जो छुट्टी है वो कैंसिल कर दी जाती है, तो हमारे हरि सिंह की छुट्टी नहीं है दी जा रही है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारे जम्मू में जो रहा, हमारे राजपूत सभा के जो भाई बैठे हैं धरना प्रदर्शन में, पिछले 15-20 दिन से जद्दोजहदी चल रही है, कभी पुलिस लाठियां बरसा रही है, कभी पुलिस उन पे उनको उठाकर जेलों में ले जा रहे हैं, तो ऐसा जो 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 कदम है, जो एलजी जो प्रशासन है ऐसा जो कदम कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। तो हम जो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात की, तो महाराजा हरि सिंह जी के सम्मान में आपने देखा कि 1947 के पहले जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे बिल्कुल आज़ाद स्टेट थी, जहाँ पे किसी का कोई किसी किस्म का कोई ऐसा इसका दबाव नहीं था, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम डोगरा और कश्मीरी सब आपस में भाईचारा करके रहते थे, एक यूनाइट होकर रहते थे, आपस में एक डोमेस्टिक एक रिलेशन थे। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र के बाद 1947 के बाद पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि हमारा भाईचारा खत्म हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ आज के लोकतंत्र के जितने भी राजनीतिक लीडर हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि जहाँ की जो हमारी यूनिटी थी, जो हिंदू और मुसलमान की यूनिटी थी, डोगरा और कश्मीरियों की यूनिटी थी, हमारा जितना भी हर जाति वर्ग का जो भी दलित समाज थे, ब्राह्मण समाज थे, जहाँ पिछड़ा वर्ग था, जहाँ क्षत्रिय समाज थे, सब लोग एक होके रहते थे, वो भाईचारा कहाँ गया?
वो भाईचारा कहाँ गया? हम वो भाईचारा मांगते हैं। आज भी मैं मीडिया के माध्यम से एक आपको एक छोटी सी एक उदाहरण दे देता हूँ, अगर आपने प्रूव करना है तो आजाद कश्मीर में एक इलेक्शन करा दीजिए, वोटिंग करा दीजिए। वो इलेक्शन आपने एक लोकतंत्र का कोई राजा, कोई लीडर, कोई नेता, हुक्मरान कोई आप 1947 के बाद या उसका खड़ा कर दीजिए। दूसरी साइड महाराजा हरि सिंह जी का एक फोटो लगा दीजिए, महाराजा हरि सिंह के फोटो, और दूसरी साइड आवाम को वोटिंग के लिए कहिए। आज भी महाराजा हरि सिंह आजाद कश्मीर में 100% वोटिंग से जीतेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से एलजी सरकार को एक हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि एक हमारा छोटा सा प्रदर्शन, आज हमारा धरना, ये समस्त बरादरी, समस्त राजनीतिक और अनशन पे बैठे थे, आज एक हम एक एक सुचेत करना चाहते थे एलजी सरकार को कि हमें डोगरा को कमजोर मत समझिए। हम ये सचेत करना चाहते हैं कि डोगरों पे सेक्शन 144 मत लगाइए, लाठियां मत बरसाइए, क्योंकि अभी ये 5% डोगरा सिर्फ जागृत हुआ है। जिस दिन 50% डोगरा सड़कों पे होगा, आपका जीना हराम हो जाएगा। मैं आपको एक ही बात कर रहा हूँ कि 23 सितंबर से पहले महाराज हरि सिंह के सम्मान में छुट्टी घोषित कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा महाराजा जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा महाराजा जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा महाराजा जी का नाम रहेगा। महाराजा जी की शान में जो आसमान में दान में।